तो गाइस अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है या फिर आप एक यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो और अगर यार आप उस पर बहुत मेहनत करो, बहुत ही मेहनत करो और उसको कोई हैक कर ले तो यार कितना बुरा लगता है, क्योंकि यार हम उस पर यार अपने बच्चे की तरह पालते हैं यूट्यूब चैनल को, और कोई बंदा उसको आके यार ऐसे ही ले जाए हमसे छीन के, तो कितना बुरा लगता है यार, बहुत ही रोना आता है कसम से। ऐसी फिल्म मेरे साथ होने वाली थी यार, मेरे पास 3-4 दिन से रेगुलर ईमेल आ रहा था, मतलब ईमेल तो नहीं आ रहा था, अगर आपका यूट्यूब चैनल पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन लॉगिन है, मतलब आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रखा है तब भी आपका यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। वो कैसे हो सकता है गाइज, अगर कोई मतलब ईमेल आईडी डाल के आपके चैनल मतलब आपकी जो ईमेल आईडी है उसके पासवर्ड को फॉरगेट करेगा तो ऊपर आता है यस नो का टैप का ऑप्शन कि आपके मोबाइल में जो लॉगिन है आप उस पर यस नो भेज दीजिए और आपका जो यूट्यूब चैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, अगर आपके घर में एक पीसी है या फिर आपके घर में एक लैपटॉप है तो अपने YouTube चैनल को जो आपका मेन YouTube चैनल है उसके अंदर लॉगिन करके रखो। अगर उसके अंदर लॉगिन होगा, मोबाइल के अंदर लॉगिन नहीं होगा तो यस नो का ऑप्शन ही नहीं जाने का, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर पे एक OTP जाएगा जिसकी ज़रूरत उस बंदे को पड़ेगी जो आपका YouTube चैनल हैक कर रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप अपने मोबाइल के अंदर अपना YouTube चैनल लॉगिन मत रखो यार, तभी बच सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो क्या गलती करते हैं, अपने मोबाइल में लॉगिन रखते हैं और जो हैकर होता है वो आपकी ईमेल आईडी पता कर लेता है और बहुत ही आसानी से आपका यूट्यूब चैनल हैक कर लेता है। तो गाइस सबसे पहली बात यही है, आप अपनी ईमेल आईडी कहीं पे भी शेयर मत करो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे भी आपको एक कोई मेल वगैरह भेजता है तो वो आपसे बोलता है कि अपने अकाउंट वगैरह को इसके अंदर साइन इन करो, साइन अप करो, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। कोई भी स्पॉन्सरशिप आती है या कोई भी एडवर्टाइजिंग के लिए हमें प्रोडक्ट बेचता है, कुछ भी बेचता है, कभी भी यार कोई भी ईमेल आईडी के जरिए ये नहीं बोलता कि भाई अपना इसमें अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन करो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे दे देंगे और अपने एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, आपको प्रमोट करने को बोल देंगे। कभी भी ऐसी गलती मत करना, अपना अकाउंट कहीं पे भी लॉगिन मत करना और अपनी जो YouTube चैनल की आपकी आईडी है मतलब जो मेन ईमेल आईडी है उसको कहीं पे भी शेयर मत करना। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा ज्ञानी 2.0 का चैनल हैक हो गया था हाल ही में, और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है जिनके हैक हो चुके। एक व्लॉग का चैनल था एजाज व्लॉग, उस लड़के का भी चैनल हैक हो गया था, और भी यार बहुत बड़े बड़े चैनल थे। और एक अभी कल ही चैनल हैक हुआ है द लाइव टीवी, जो यार 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और गाइस उसको हैक कर लिया गया है। ज्यादातर जो यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं यार बाहर की कंपनी अपना नाम वगैरह डाल देते हैं इस तरह का। देखो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो बाइनेंस जो आ रहा है, ये बाइनेंस कंपनी वगैरह जो भी है, ये जो बिटकॉइन वगैरह इस तरह के, आप बाइनेंस सर्च करना यार यूट्यूब पे, जितने भी आपको चैनल मिलेंगे मिलियनों वाले वो सब यार ऐसे चैनल है जो हैक किए हुए हैं, और ये हैक किसी बाहर की कंपनी ने नहीं किया है यार, हमारे जो इंडिया के अंदर के जो लोग हैं, इंडिया के अंदर के जो हैकर हैं उन लोगों ने यूट्यूब चैनल हैक किए और बाहर की कंपनी को बेचे हैं। क्योंकि यार मेरे पास जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था कि हमारा अकाउंट कहाँ पे लॉगिन किया जा रहा है तो वो आ रहा था पुणे महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया के अंदर ही ये हैकर बैठे हैं गाइज, हैक कर रहे हैं चैनल को और बाहर बेच रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। यार बहुत ही मेहनत करते यार, बहुत मेहनत होती है, और ये साले ऐसी चोरी कर लेते हैं और किसी को बेच रहे हैं चैनल। आप लोग देखो सर्च करके देखना बाइनेंस बिटकॉइंस वगैरह, देखो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सर्च करके देखना, जितने भी 2-2, 3-3 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले इनके चैनल है 10,000 वाले, सब हैक कर रखे हैं इन लोगों ने यार, नाम चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं, वीडियोज़ वगैरह डिलीट मार देते हैं। तो अगर आपको अपना चैनल सेफ रखना है तो गाइज आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखो और मोबाइल के अंदर अपना चैनल लॉगिन मत करो और अपनी ईमेल आईडी को कहीं पे भी शेयर मत करो। आपको अगर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आप बस अपने गूगल प्लस अकाउंट में जाइए, यूट्यूब उस पर गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल प्लस अबाउट में जाइए गाइज। अबाउट में जाने के बाद आप जैसे अपने गूगल अकाउंट में पहुंच जाते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पे देखो आपको एक तो मिलेगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन का, ये ऑफ होगा आपका, इसको ऑन कर लेना, और नीचे आपको रिकवरी ईमेल और रिकवरी नंबर मिलेगा, तो आप ये दोनों चीज़ भी ऐड कर लेना।
और आपका जो YouTube का पासवर्ड है उसको बहुत ज़्यादा यूनिक रखना। आप कभी भी ऐसी गलती मत करना अपने नाम से, या फिर आप बहुत ही आसान पासवर्ड रख देते हो, ऐसा पासवर्ड रखना यार, मतलब एट द रेट आप मतलब स्टार हैश कुछ इस तरह से उल्टा सीधा मिक्स करके अपना पासवर्ड बनाना। वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है यार, तभी आपका चैनल बच सकता है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैकिंग स्टार्ट हो गई है यार, सेफ रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बस यही संदेश था यार आप लोगों के लिए, जितने भी यूट्यूबर है प्लीज़ यार अपने चैनल को सेफ रखो। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दो जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।